ना तो मैं यहाँ था और ना ही मैं यहाँ था, ना तो मैं कहीं घूमने गया था और ना ही मैं कहीं घूम रहा था। तो आखिर मैं पिछले 3 महीनों से कहाँ था, चलिए आइए बताते हैं आपको इन अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। सो इफ आई टेल यू इन वन वर्ड दैट वेयर वॉज आई फ्रॉम लास्ट 100 days, देन इट विल बी लॉस्ट। सो देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड इस स्टोरी के कैरेक्टर्स से मैं आपको मिलवा दूं। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। नो, इस स्टोरी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, अभी बात करते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, इट्स मी। बट इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है एंड डेट इज, रुको जरा, सबर करो थोड़ा, आप भी सोचिए कि कौन सा कैरेक्टर हो सकता है। और हाँ, आपके लिए आई हैव अ हिंट एंड द हिंट इज एक ऐसी चीज जो आप सभी के पास है जो ये वीडियो देख रहे हैं। समझ रहे हो ना? आई थिंक अभी तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा। अरे वाह, क्या बात है, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। सो या, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट कैरेक्टर इज माय फोन एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो मेरे सब्सक्राइबर्स को पता ही होगा दैट आई एम नॉट कंसिस्टेंट और रेगुलर ऑन यूट्यूब, बट कभी कभी मेरा मन बन जाता था, मूड बन जाता था, तो वीडियो भी पोस्ट हो जाती थी। तो आज से कुछ महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं YouTube पर रेगुलर कंटेंट डालूंगा, लेकिन जैसा मैं सोचूं वैसा ही हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं। आई नो, मैंने जो भी सोचा था वो इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी आई वॉज स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। और कुछ दिनों तक मेहनत भी हुई, वीडियो पोस्ट भी हुई और रिजल्ट भी मिला। बट मेरी लाइफ में कुछ और भी आ गया था एंड दे हैव अ सुपर पावर्स टू अट्रैक्ट द पीपल्स। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, टाइम का पता ही नहीं चलता था, कब सुबह से शाम हो गई, कब रात से सुबह हो गई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे ही करते करते 100 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो सकता है, तो वो कुछ और नहीं, वो थे OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ALT बालाजी एंड इवन MX प्लेयर। एंड OTT प्लेटफॉर्म्स आर जस्ट लाइक वेब, और मैं इसी वेब में फंस चुका था। ऑल टाइम मूवीज, वेब सीरीज, रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज और भी बहुत कुछ। एंड इन सब चीज़ों में आई वॉज हैप्पी बिकॉज देयर वॉज अ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मी। तो अगर मैं आपको अपने पहले का रूटीन बताऊँ तो वो क्या सोच रहे हो, ये मेरा रूटीन होगा? जी नहीं, ये मेरा रूटीन बिल्कुल भी नहीं था। नो स्टडी। देन व्हाट वाज माय रूटीन? सो इट वाज दैट, इट वॉज माई रूटीन ईटिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज ऑल टाइम। नाउ व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम, सो इट वॉज अ टाइम जब मेरा चैनल ऑर्गेनिकली बूस्ट हो रहा था और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, और उनमें से कुछ कमेंट्स ये भी थे कि भाई तेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, एंड दीज कमेंट्स आर जस्ट लाइक बूम टू मी।